हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। रेगुलर बेस पर टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है। एयरफोर्स स्कूल से NTT, PRT, TGT की पोस्ट रहने वाली है। TGT टीचर्स की सैलरी की अगर हम बात करें तो 33,000 यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। जल्दी ही जो है वो आप सभी अप्लाई करें, 25 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे NTT रेगुलर बेस पर टीचर्स की जो वैकेंसी है, जिसमें 18,000 और साथ में DA सैलरी जो है वो आप लोगों की रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी जो है NTT टीचर्स की वैकेंसी है, जिसमें फिक्स्ड सैलरी 18,000 रहेगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th, साथ में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा आपका होना चाहिए। मॉन्टेसरी या प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। NTT म्यूजिक एंड डांस की भी रेगुलर बेस पर वैकेंसी है और इसमें भी जो है काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी बनेगी 18,000 के साथ में। DA भी जो है यहाँ पर दिया जाएगा। बैचलर डिग्री आपकी म्यूजिक में हो या फिर हायर सेकेंडरी अगर आपने संगीत विशारद या गंधर्व महाविद्यालय मुंबई से किया है, या फिर आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से आपने किया है, या इलाहाबाद से किया है, या इसके इक्वलेंट अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है आपकी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपका म्यूजिक में रहा है, तो आप बिल्कुल आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है PRT म्यूजिक एंड डांस की वैकेंसी है। ये NTT म्यूजिक एंड डांस की वैकेंसी थी। अब जो है प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक एंड डांस की रेगुलर बेस पर वैकेंसी है। सैलरी जो है 28,500 प्लस DA भी है साथ में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर रहेगी आप लोगों की। 32,000-33,000 तक सैलरी आपकी यहाँ पर PRT म्यूजिक एंड डांस के लिए भी रहेगी। तो इसमें भी जो है वही म्यूजिक में बैचलर डिग्री या फिर कोई हायर सेकेंडरी इनमें से जो दिया है, संगीत विशारद गंधर्व महाविद्यालय मुंबई लखनऊ छत्तीसगढ़ इलाहाबाद जहाँ से भी आपने किया है। TGT मैथ की रेगुलर बेस पर वैकेंसी है, जिसमें और भी अच्छी सैलरी रहेगी आपकी। तो थंबनेल में मैंने केवल 33,000 जो है जो कि बेसिक पे रहेगी वही बताई है। इसके अलावा भी जो है यहाँ पर DA अगर मिला दिया जाए तो और भी अच्छी सैलरी आपकी रहेगी। TGT मैथ्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ में ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैथ के साथ में जो है आपका पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो है BEd की डिग्री भी आपकी मांगी गई है, बाकी CTET जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। एज की अगर हम बात करें तो एज जो है यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं 21 से लेकर 50 वर्ष तक के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकेंगे। वैकेंसी जो है वो वायुसेना विद्यालय गांधीनगर से आई है। तो TGT मैथ्स के लिए आप बिना CTET के भी अप्लाई कर सकते हैं। CTET या STET अगर क्वालिफाई है तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। ठीक है, जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है वो केवल ग्रेजुएशन के साथ में BEd। TGT संस्कृत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, फिक्स्ड सैलरी है 33,000। ठीक है, TGT संस्कृत की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है। मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए। TGT हिंदी के लिए भी जो है बिल्कुल फिक्स्ड सैलरी रहेगी, क्वालिफिकेशन वही है। TGT इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर फिक्स्ड सैलरी। TGT सोशल स्टडीज़ की भी जो है 33,000 फिक्स्ड सैलरी है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए आप देखें मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में जो है यहाँ पर कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए, PCDA, MCA, BE, ठीक है, जो भी आपने किया है। ड्राइंग के लिए जो वैकेंसी है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। पहले इन्होंने जो है जो भी वैकेंसी बताई है वो सभी रेगुलर बेस पे बताई, उसके बाद जो है यहाँ बीच में जो TGT की वैकेंसी आई है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है, आगे और भी रेगुलर बेस पर हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग के लिए जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट्स में। लाइब्रेरियन की रेगुलर बेस पर वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाएगी यहाँ पर। यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, और इसमें BEd स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के साथ में। एज जो है वो सभी में 21 से लेकर 50 वर्ष रहेगी। हेल्पर की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, 30,000 जो है वो मिलेगी, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। हेल्थ वेलनेस टीचर्स की TGT में
सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाएगी। अगर आपने साइकोलॉजी में बीए बीएससी किया है या एमए एमएससी किया है, आपने साथ में काउंसलिंग का आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करें। टीजीटी साइंस फॉर पैनल वैकेंसी सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाएगी। पीआरटी फॉर पैनल वैकेंसी, ड्राइंग फॉर पैनल वैकेंसीज, गेम्स के लिए और अकाउंट असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए, ठीक है, सैलरी जो है इसमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। नेक्स्ट जो हेल्पर और पीएन, तो इसमें जो है कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सभी में 21 से 50 वर्ष उम्र रखी गई है। और दोबारा से मैं बता देती हूँ, पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 12th या ग्रेजुएशन, और इसके साथ में जो है यहाँ पर बीएड मांगा गया है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री और साथ में बीएड, टेट या सी टेट आपका जो है नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनटीटी टीचर्स के लिए 12th के साथ में आपके पास जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है। तो वायुसेना विद्यालय गांधीनगर, ये गुजरात की वैकेंसी है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपको ध्यान में रखनी है। एयरफोर्स स्कूल अनएडेड सीबीएसई स्कूल होते हैं, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बट यहाँ पर जो है रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी जरूर आती है हर वर्ष। इन द सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा सिलेक्शन, रिटन टेस्ट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को स्कूल की मेन वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्मेट, जो कि नोटिफिकेशन के नीचे ही आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए सही तरीके से जो है यहाँ पर एड्रेस वगैरह कैसे लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप लोगों को एक दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों को दिखाया है इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करना है उनको, यानी साइन करने हैं अपने नीचे, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ 25 जनवरी 2024 से पहले एनवलप के ऊपर जो है ये एड्रेस लिखेंगे और भेज देना है। रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ली जा रही है या नहीं। तो कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लग रही है, ऐसा जो है मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट और नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा। स्कूल की मेन वेबसाइट पर आएंगे, एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, ये रहा 25 जनवरी 2024 लास्ट डेट है, इसमें लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करने को मिल जाएगा। नीचे ही दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेस पर भी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर भी कई सब्जेक्ट की वैकेंसी है। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर होता है, तो आगे जाके जब रेगुलर बेस पर वैकेंसी आती है तो इनको जानकारी भी रहती है और रेगुलर बेस पर भी जो है हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।